हेलो फ्रेंड तो स्वागत है अपना आपके यूट्यूब चैनल अरिस्टोटल बायोलॉजी में और आज की जो ये वीडियो है वो है एमएससी फोर सेम के लिए जो आपके इंसेक्ट से रिलेटेड है सबसे पहले बात करेंगे इंसेक्ट एंटीनाज की ये क्या है आपके डिफरेंट टाइप के एंटीनाज दिखाए गए हैं इंसेक्ट में आगे हम इन्हीं के बारे में ही बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि इंसेक्ट के एंटीने होते क्या हैं या एंटीनेस क्या होते हैं तो एंटीने जो आपकी एक प्लूरल फॉर्म है या एक बहुवचन है इसका एक वचन क्या होता है एंटीना सम टाइप रिफर टू एज फीलर्स तो इनको कभी कभी फीलर्स के नाम से भी जाना जाता है क्यों क्योंकि ये आपको सेंसिटिविटी प्रोवाइड करते हैं आर पेयर्ड अपेंडिजिज यूज फॉर सेंसिंग इन आर्थरोपोर्ड्स तो ये क्या होते हैं ये पेयर्ड अपेंडेज होते हैं जिसका प्रयोग किस में किया जाता है आर्थरोपोर्ड्स में सेंसिंग के लिए किया जाता है एंटीना आर कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन और टू सेगमेंट ऑफ द आर्थरोपोर्ड हेड तो ये कहाँ पर अटैच होते हैं या जॉइंट होते हैं ये जो आर्थरोपोर्ड का जो हैड होता है उसी के ही फर्स्ट और सेकेंड सेगमेंट पर जुड़े हुए रहते हैं द एंटीने आर एक्चुअली दोज बात करें अगर इनकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन की तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं किसी भी इंसेक्ट के नोज या नाक की तरीके से कार्य करते हैं दे आर यूज फॉर द सेंस ऑफ स्मेल जिसका प्रयोग स्मेल के तरीके से किया जाता है या स्मेल के सेंस में किया जाता है देर्ड एंटीने आर मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल जॉइंट्स तो जो एंटीने होते हैं वो जॉइंट्स के द्वारा कई जॉइंट्स के द्वारा आपस में जुड़कर तब बनते हैं दिस मीन्स इसका मतलब यह है कि दे कैन बी वेरी मोबाइल इसका मीन्स क्या है कि वे बहुत अधिक मोबाइल होते हैं मोबाइल मीन्स एक तरीके से मूवमेंट शो कर सकते हैं फिर सेकेंड क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीने, एंटीने की एंटीने की स्ट्रक्चर क्या होती है तो दी एंटीने आर ए पेयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स लोकेटेड नियर द फ्रंट ऑफ इन इंसेक्ट्स हेड कैप्सूल तो जो इंसेक्ट का जो हेड होता है उसी के पास में या उसी के फ्रंट में एंटीने लगे रहते हैं जो सेंस ऑर्गन की तरीके से कार्य करते हैं ऑल तो कॉमनली कॉल्ड फीलर्स कभी कभी ये फीलर्स के नाम से भी जाने जाते हैं जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा दी एंटीने आर मच मोर देन जस्ट टैक्टाइल रिसेप्टर्स तो जो एंटीने होते हैं वो टैक्टाइल रिसेप्टर से ज़्यादा होते हैं टैक्टाइल मीन जो आपके सेंसर रिसेप्टर्स होते हैं दे आर यूजली कवर्ड विद और रिसेप्टर्स दैट कैन डिटेक्ट डर मोलिक्यूल्स इन द एयर तो एक तरीके से इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी तरीके की स्मेल का सेंस करने के काम में लिए जाते हैं मैनी इंसेक्टो यूजर एंटीने तो कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो इन खपरियों कैसे करते हैं ह्यूमिडिटी सेंसर के तरीके से करते हैं और टू डिटेक्ट चेंजेस इन द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर वेपर कि वाटर वेपर में जो कंसनट्रेशन में जो चेंज आया है उसको पहचान करने के लिए भी इस खपरियों किया जाता है Sound with their तो जो मच्छर होते हैं वो भी आवाज को कैसे पहचान पाते हैं अपने एंटीने के थ्रू एंड एयर स्पीड वाइल दे आर इन फ्लाइट तो जब एक तरीके से कुछ फ्लाइज होती है जो मक्खी होती हैं जब वो उड़ रही होती हैं तब तो वे अपने एंटीना का प्रयोग किसके लिए करती है एयर स्पीड के लिए करती है ऑल्थो एंटीने वेरी वाइडली इन शेप एंड फंक्शन जो एंटीरियम होते हैं वो शेप और फंक्शन में काफी अलग होते हैं ऑल ऑफ देम कैन बी डिवाइडेड इन थ्री बेसिक पार्ट फिर भी हम इनको तीन बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट है आपका स्केप सेकेंड पेडिकल और थर्ड इज फ्लैजिलम तो क्या होता है सेगमेंट दैट आर्टिकुलेट विद कैप्सूल तो ये कौन सा पार्ट है जो हेड कैप्सूल के थ्रू अटैच रहता है सेकेंड वन क्या है दी सेकेंड एंटीनल सेगमेंट तो जैसे क्या है एंटीना का डायग्राम है तो जिसके थ्रू अटैच रहता है वो आपका क्या होता है स्केप और जो इसका सेकेंड जो ज्वाइंट होता है वो क्या होता है पेडिकल फ्लैजिलम क्या होता है ऑल दो रिमेनिंग सेगमेंट्स तो जो आपका ये शेष बचा हुआ पार्ट है वही क्या कहलाता है फ्लैजिलम कहलाता है दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीनाकेम जो आपका सेकेंड सेगमेंट है वो क्या कहते हैं पेडिकल और एस्केप दिस वन वो वाला पार्ट जो किसके थ्रू जुड़ा रहता है हेड के थ्रू जुड़ा रहता है द बेस ऑफ एंटीना इज कनेक्टेड टू द एड्स ऑफ द सॉकेट बाय एन आर्टिकुलेटरी मेमबे तो ये एक आर्टिकुलेटरी के थ्रू सॉकेट so में इस तरीके से फंसा हुआ रहता है दिस परमिट्स फ्री मूवमेंट ऑफ एंटीना जो एंटीना को फ्री मूवमेंट करने के लिए परमिशन देती है द बेसल सेगमेंट इज कॉल्ड एस्केप तो जो सेकेंड वन होता है वो आपका क्या है? Escape कहलाता है एस्केप कहलाता है इट इज कंसिपली लार्जर देन सक्सेसिंग सक्सेडिंग सेगमेंट्स तो ये क्या होता है इसी कंपेरिजन में बड़ा होता है दिस सेकेंड एंटनल सेगमेंट इज कॉल्ड पेडिकल तो जो सेकेंड सेगमेंट होता है वो पेडिकल कहलाता है विच इमीडिएटली फॉलो द स्केप जो किसको फॉलो करता है स्केप को फॉलो करता है ए मास ऑफ सेंस कॉल सेल्स कॉल्ड जोसेंस ऑर्गन इज प्रजेंट इन दैडिकल तो पेडिकल में क्या प्रेजेंट होता है एक सेंस ऑर्गन प्रजेंट होता है या सेल प्रजेंट होते हैं जिसको क्या कहा जाता है जोन ऑर्गन भी कहा जाता है विच इज यूज एज कोडेटोडल

हो सकती है फिर आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीना की कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं द एंटीना ऑफ इंसेक्ट आर मॉडिफाइड इन मैनी वेज तो जो एंटीना होते हैं इंसेक्ट के वो कई सारे तरीकों में मॉडिफाइड रहते हैं सम ऑफ दिस मोडिफिकेशन जस्ट प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर सेंसरी रिसेप्टर्स वाइल्ड अदर्स आर यूनिक यूनिकेशन दैट बैक्स टू स्पेशल सेंसरी कैपेबिलिटीज सच एज डिटेक्टिंग साउंड वाइब्रेशन माइंड स्पीड

कुछ डिफरेंट टाइप के जो कॉमन होते हैं उसका नाम है यहाँ पर तो फर्स्ट हम बात करेंगे की की तो तो क्या क्या होता है 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 ये सबसे इन दिस टाइप देयर आर मेनी सेगमेंट्स इसमें क्या होते हैं कई सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर मोर और लेस इक्वल इन साइज जो क्या होते हैं थोड़ा बहुत इक्वल होते हैं साइज में फिलीफॉर्म एंटीना आर सीन इन वाइट वेराइटी ऑफ ग्रुप्स तो ये जो एंटीने होते हैं फिलफोम वो कई वेराइटी या फिर ग्रुप में देखने को मिलते हैं जैसे ड्रैगन फ्लाइज में ग्रास ओपर क्रिकेट्स बुकलाइज बाइटिंग लाइज स्कॉर्पियो फ्लाइज एंड बीटल्स एक्सेट्रा तो इसमें ये वाले जो आपके एंटीने होते हैं वो कॉमन होते हैं या इन इंसेक्ट्स में ये वाले एंटीने पाए जाते हैं दी लेंथ एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स वेराइज मच बिटवीन दैम तो जो नंबर होता है और जो इनकी लेंथ होती है वो भी डिफरेंट होती है

फिर मोनिली फोम नेक्स्ट आपका क्या है मोनिली फोम द राउंड सेगमेंट मेक द एंटीना लुक लाइक ए स्ट्रिंग ऑफ बीट्स जैसे बीटल्स में ये देखने को मिलते हैं बीड्स मतलब मोती की तरीके की इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है एंटीना की पैक्टिनेट दिस सेगमेंट आर लोंगर तो जो सेगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं लोंगर होते हैं ऑन वन साइड एक साइड वो कैसे होते हैं लोंग होते हैं दिस वन इज दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ कोम्ब तो ये कैसे शेप देते हैं जैसे कोम्ब जैसे कंघे की तो इसके एग्जाम्पल ये रही फिर आपका नेक्स्ट क्या है सीरेट और डेंटेड ये कैसे होते हैं टूथ लाइक होते हैं दिस सेगमेंट ऑफ फ्लैजिलम हैविंग टूथ लाइक प्रोजेक्शंस तो इसमें जो एंटीना होता है उसमें क्या होता है टूथ लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं ऑन वन साइड एक जगह पर जिसके एग्जाम्पल आपका ये रहा फिर नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है लेमिलेट दिस सेगमेंट टूवर्ड्स द एंड आर फ्लैटेड एंड प्लेट लाइक तो ये कैसे होते हैं फ्लैटेड होते हैं और प्लेट शेप में होते हैं फैन जो कैसे क्या बताया गया है कि जब टिप की साइड को जाते हैं तो ये कैसे होते चले जाते हैं चोड़े जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे दिस में ग्रेजुअल एलोंग इट्स और इज सडन इंक्रीज एंड दरफोन मेनलीफेक्टिंग लास्ट फ्यू जॉइंट हो जाता है बटरफ्लाई जाते हैं नेक्स्ट आपके आ जाता है जेनिकुलेट देर इज एन एब्रव्ड बैंड और एल्बो पार्ट ऑफ दलोंग किस में पाए जाते हैं है. है, है? ये आंट्स एंड बिस्टल्स में तो ये किसकी स्ट्रक्चर है जेनिकुलेट की प्लूमोज द

टर्मिनल हेयर तो इसमें जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है टर्मिनल मीन लास्ट वाला जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है और जिसमें पाए जाते हैं आपके रोबर फ्लाई में एंटीना इज लेस फीजरी इसमें क्या होते हैं ये एक तरीके से कम इसमें फीजर पाए जाते हैं जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे एट द जंक्शन ऑफ द फ्लैजोमर्स एग्जाम्पल फीमेल मॉस्किटो जो किस में पाए जाते हैं या किस में देखने को मिलते हैं फीमेल मॉस्किटो में देखने को मिलते हैं नेक्स्ट आपका आ जाता है जो कैसा होता है डबल कोम्बलाइट स्ट्रक्चर जिसमें दोनों तरफ इस तरीके की धारियां पाई जाती हैं सेगमेंट्स विद लॉन्ग सिलेंडर लेटरल ऑन बोथ द साइड्स जो किसमें देखने को मिलता है सिल्क में नेक्स्ट वन इज कैपिटेट जिसको क्या कहा जाता है नोबीड no भी कहा जाता है टर्मिनल सेगमेंट्स बिकम एल तो जो लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है सडनली अचानक से जो किसमें देखने को मिलते हैं बटरफ्लाई में देखने को मिलते हैं बात करें अगर हम फंक्शन की एंटीना के तो फर्स्ट क्या है एंटीना परसेप्शन तो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है सेंसर सेंसरी में में या सेंसेशन में काम करता है टू सर्व एज सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर तो ये क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी दिखाते हैं इन मेल लेपिडोपटेरा किस में मेल लेपिडोपटेरा में और मेल मॉस्किटो में टू तो फाइंड इट्स वे एक तरीके से अपने रास्ते को फाइंड करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है टू डिटेक्ट देंजर खतरे को भी भापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है to find the food, भोजन की सर्चिंग में भी इनका प्रयोग किया जाता है. और टू फाइंड द अपोजिट सेक्स मीन जो अपोजिट सेक्स होता है उसमें भी ये हेल्प करते हैं एंड लास्ट वन इज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भी एंटीनास का प्रयोग किया जाता है जैसे किसमें देखने को मिलता है ants में इट बियर ओल्फैक्ट्री ऑर्गन तो कि ये क्या करते हैं ओल्फैक्ट्री ऑर्गन भी रहता है जैसे हाउस फ्लाई में इट बियसोटोनल ऑर्गन साउंड भी इन्हीं का ही रूपांतरण होता है जैसे मॉस्किटो में. में देखने को मिलता है ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है टू होल्ड द अपोजिट सेक्स एट द टाइम ऑफ मीटिंग मेटिंग के टाइम पे अपोजिट सेक्स को होल्ड करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है एंड लास्ट वन इज टू कैश द ट्रे एक तरीके से प्रे को कैच करने के लिए भी एंटीनाट का प्रयोग किया जाता है जैसे मैंटेट में देखा गया है तो ये आज का आपका टॉपिक था आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये टॉपिक भी अच्छे समझ में आ गया होगा तो ये आपका एक मेन टॉपिक है सॉरी क्योंकि इसमें थोड़ा स्पीड जो है वो काफ़ी फास्ट रखनी पड़ी क्योंकि ये आपका एक वाइट टॉपिक है इतनी उम्मीद के साथ में इसी आशा के साथ में फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में धन्यवाद